क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे प्लैनेट है जहाँ पर हीरो की बरसात होती है? क्या आपको पता है कि जब हम दोपहर में सोते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैसे कि होता है ना कि रात में सोते हैं तो स्लीप और स्लीपिंग, तो वैसे ही दोपहर में सोते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट को जानेंगे। फैक्ट नंबर वन, अलास्का में एक ऐसा टाउन है जहाँ की आबादी लगभग 5000 है। यह टाउन का नाम है उत्यागवी। पर यह शहर का सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जब सूरज 18 नवंबर के दिन डूब जाते हैं, सनसेट हो जाता है, तो ठीक के 23 जनवरी को उदय होता है, यानी कि 67 दिन बाद सूरज का उदय होता है। उतने दिन तक यहाँ के लोग अंधेरे में गुजारते हैं, 67 दिन तक रात रहता है इस शहर में। फैक्ट नंबर टू, ब्लू हवेल जो कि सबसे बड़े और सबसे भारी जानवरों में से एक है, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, पर सबसे इसकी खास बात आप जानते हैं क्या? ब्लू हवेल की आवाज सबसे तेज होती है। ब्लू हवेल सबसे तेज आवाज पैदा कर सकती है जो कि 188 डेसिबल की होती है। यह आवाज लगभग की 800 किलोमीटर तक सुनाई देती है। फैक्ट नंबर थ्री, हमारी पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है, पर आपको पता है कि ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा माउंटेन कहां पर है? तो जी हां, ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा माउंटेन हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल ग्रह पर है, जिसका नाम ओलंपस मॉन्स है। इसकी ऊंचाई 22 किलोमीटर है जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंची है। फैक्ट नंबर 4, ऑक्टोपस को तो आपने देखे ही होंगे कैसा होता है भयानक, पर क्या आप जानते हैं कि ऑक्टोपस की बॉडी में 3 दिल होती है और 9 दिमाग यानी कि 9 दिमाग होती है। इसकी ब्लड की कलर भी ब्लू होती है। फैक्ट नंबर 5, आप यह जानते ही होंगे कि छिपकली की पूंछ कटने के बाद नया पूंछ निकल आती है, पर क्या आपको पता है कि धरती पर कुछ ऐसे जीव भी हैं जिसका सिर कटने के बाद भी वो जीव अपने सिर को फिर से रीग्रो कर सकते हैं? जी हाँ, प्लेनेरियन नामक एक ऐसा ही जीव है जो कि अपने सिर को कटने के बाद फिर भी उसको रीग्रो कर सकता है। और सबसे इसका इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर नया आने के बाद भी इस जीव का याददाश्त नहीं जाता है। इसकी जो यादें होती है पहले वाली सिर की, वो नए वाले सिर में भी रहती है। तो ये सबसे इस जीव की खास बात है। फैक्ट नंबर 6, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो पृथ्वी 1670 किलोमीटर की रफ्तार से 24x7 हमेशा ही घूमती रहती है, पर क्या आपको लगता है कि हमारी पृथ्वी इतनी तेज रफ्तार से घूम रही है? अभी हम एक स्क्रीन पर वीडियो शो करने जा रहे हैं, वो वीडियो में आपको पता चलेगा कि एक दूसरे के रिलेटिव वेलोसिटी फर्स्ट वाले वीडियो में अर्थ रोटेशन कर रहा है 1670 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, जहां पर स्पीड टू स्केल यहां पर दर्शाया गया है कि वो बिंदु जो है व्हाइट कलर का कितना स्लो चल रहा है। सेकंड वाले में अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है सन का, जहां पर उसका रफ्तार है 107,200 किलोमीटर पर घंटा। साइड में ग्राफ में देख सकते हैं कि व्हाइट जो पॉइंट है बिंदु, वो कितना तेज गति से मूव कर रहा है, यानी कि एक दूसरे के रिलेटिव में ये वीडियो बनाया गया है। और बाकी का भी दो वीडियो आप देख सकते हैं, मतलब कि ये दुनिया ब्रह्मांड कितना तेज गति से मूव कर रहा है और हम पृथ्वी पर इतना शांति से सुख की जिंदगी जीते हैं। हमको थोड़ा भी नहीं लगता है कि पूरा दुनिया इतना तेज गति से मूव कर रहा है, घूम रहा है। फैक्ट नंबर 7, हम जब रात को सोते हैं तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लीप, स्लीप मतलब सोना। रात को जब सोते हैं तो उसे स्लीप बोलते हैं। तो क्या आपको पता है कि जब दोपहर में सोते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जी हाँ, दोपहर में सोते हैं उसको इंग्लिश में सिस्टा बोलते हैं, SIESTA, सिस्टा, जिसको कहते हैं कि दोपहर में सोना। फैक्ट नंबर 8, दुनिया में 250 ऐसे मृत लोगों का शरीर रखा हुआ है जिन्हें बर्फ में जमा कर रखा हुआ है, ताकि फ्यूचर में किसी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से उन्हें वापस जिंदा कर सके। कोई इन्वेंशन के तहत वो ह्यूमन जो डेथ कर चुके हैं उनका बॉडी उन्हें जीवित कर सके। फैक्ट नंबर 9, आज के हवाई जहाज, आज के आधुनिक युग में हवाई जहाज का शक्ल सूरज को आप देखे होंगे कि कितना अच्छा है, साफ सुथरा, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत ये हवाई जहाज बन चुका है। इसके अंदर का एंटार्क्टिक एक तरह से पूरी तरह से एसी बोगी रहता है। आज से 80 साल पहले हवाई जहाज कैसा हुआ करता था अंदर से, आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं होगा कि इसका अंदर कैसा होगा। ये एक स्क्रीन पर फोटो में आप देख सकते हैं कि ये 1930 के दशक का किसी हवाई जहाज का एक पिक्चर दिया गया था, जो कि काफी सिंपल सा लग रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फैक्ट नंबर 10 को बोलने से पहले, आप अगर इस फैक्ट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज नीचे रेड कलर बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट से आपको आनंदित एडुकेट करने का जिम्मा रखता है फैक्ट। वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 10,
नेपच्यून एंड यूरेनस दो ऐसे प्लैनेट हैं जहां हीरो की बरसात होती है। ये मजाक नहीं, हाँ वहां हमेशा ही हीरो की बरसात होती रहती है। इसके बारे में साइंटिस्ट का भी कहना है कि नेपच्यून एंड यूरेनस पर पानी नहीं है। इस दोनों प्लैनेट के अंदरूनी भागों में एटमोस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण हाइड्रोजन एंड CO2 आपस में टूट जाते हैं। इसी वजह से इन प्लैनेट पर कभी कभी हीरो की बरसात होती रहती है। इस वीडियो में इतना ही। आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ। और मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।